G20 के 35 सदस्य डेलीगेशन ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल के जरिए मेड इन इंडिया के विकास की रफ्तार देखी और भारत की इस तरक्की को जमकर सराहा। वैसे तो मेरठ से दिल्ली के बीच आम जन के लिए रैपिड रेल शुरू होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन G20 के 35 देशों के प्रतिनिधियों ने पहले ही रैपिड रेल की रफ्तार देख ली है और इसकी रफ्तार से इतना रोमांचित हो गए कि खुद को सेल्फी लेने से भी नहीं रोक पाए। दरअसल G20 ट्रोइका यूथ फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ब्राजील और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों की 35 सदस्य टीम ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम साइट का दौरा किया और भारत की इस तरक्की को सराहा। 257 kilometers per hour and it was just amazing to see the technology. 35 सदस्यों की टीम ने खास मकसद से इस रैपिड रेल को विजिट किया और रैपिड रेल की तकनीक की जानकारी ली। क्योंकि RRTS सिस्टम बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम है, डीकार्बनाइज करने की दिशा में कदम है भारत सरकार की तरफ से, तो उसको एक शोकेस करने के लिए ये विजिट है। दूसरा उनका एक उद्देश्य है कि जो इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं उसमें किस तरीके से डिजास्टर के केस में किस तरह की केयर की जाती है बिल्ट इन द सिस्टम। G20 के 35 सदस्य डेलीगेशन ने रैपिड रेल से न केवल करीब 180 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार का आनंद लिया बल्कि मेड इन इंडिया के जरिए देश के विकास की जमकर तारीफ भी की। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर रेलवे खास तैयारियों में जुटा है। रेलवे अपने 100 दिन के प्लान के जरिए दो नई लाइन तैयार कर रहा है जिससे महाकुंभ के दौरान दूसरे शहरों से प्रयागराज की कनेक्टिविटी और सुगम हो सके। तीर्थराज प्रयाग में 1.5 साल के बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों विकास की गंगा बह रही है। तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं की अगवानी के लिए प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रेलवे भी खास तैयारियां कर रहा है। दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर दो नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। अभी 100 दिन का मिल गया है ब्लॉक, जिला प्रशासन के सहयोग से हमने कार्य शुरू कर दिया है और कोशिश करेंगे समय से पहले इसको पूरा करेंगे। हालांकि दो नई रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे ने पुराने और नए शहर को जोड़ने वाले सबसे प्रमुख रास्ते को 100 दिनों के लिए बंद कर दिया। रास्ता बंद होने से शहर में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ पर अभी तक रेलवे में की जो लाइनें थी वो 5 लाइनें थी, लेकिन यहाँ पर अब लाइनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। जो रेलवे लाइन है उसे 5 से बढ़ाकर 7 किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं उन्हें पर्याप्त जगह मिल सके, इसके साथ साथ ट्रेनों की लेट लतीफी ना होने पाए। बता दें कि दिल्ली से हावड़ा, फैजाबाद, वाराणसी और लखनऊ के रास्तों पर अब तक जहां सिर्फ 5 लाइनें थी, लेकिन अब रेल लाइनों की संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। रेलवे नई लाइन बिछाने के साथ ही प्रयागराज जंक्शन का भी कायाकल्प करने की तैयारी में है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।